इन दिस सेक्शन आई विल भी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिन ऑफ द स्टॉक प्राइसेज एंड दैट इज द रैंडम वॉक सो रैंडम वॉक बेसिकली हमने कॉनोमेट्रिक से बॉरू किया है और हम इस टर्म को और हम देखते हैं कि जब हम स्टॉक प्राइसिस के फ्लक्चुएशन को ओवर टाइम प्लॉट करें तो समाइम्स वी ऑब्जर्व दैट द स्टॉक प्राइसिस फॉलो अ पैटर्न विच कैन बी कोल्ड एज और कैन बी टर्म्ड एज रैंडम वॉक रैंडम वॉक का मतलब है कि कल की किसी भी स्टॉक की को अगर आप मॉनिटर करें एनालाइज करें ओवर टाइम तो कल की अ सर्टन स्टॉक की जो प्राइस है आज की उसी स्टॉक की प्राइस उसको प्रडिक्ट ना कर सके उसको बता ना सके उससे आप एनालाइज़ नहीं कर सकते कि आज फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक अगर साठ रुपए का है तो कल वो साठ रुपए पे ही रहने वाला है वो पचपन का हो जाएगा वो पैंसठ का हो जाएगा या वो एक सौ चार रुपए का हो जाएगा आप इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इफ दिस इज़ द केस देन वी से स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो रैंडम वॉक के पैटर्न को फॉलो कर है रैंडम वॉक का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी चल रहा है और उसका जो दाया पाऊँ है उसके बाएँ पाऊँ अगला कदम को प्रिटेक्ट नहीं कर सकता कि अगला कदम बिल्कुल स्ट्रेट पिछले कदम की लाइन में जाएगा दाएं जाएगा बाएं जाएगा तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप को नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक को नेक्स्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक को प्रिटेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं स्टॉक प्राइस में रैंडम वॉक की बिहेवियर को के पैटर्न को तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जब हम स्टॉक प्राइसेस को डिफरेंट मार्केट्स में जाके डिफरेंट स्टॉक्स की प्राइसेस को ओवर टाइम एनालाइज करते हैं तो वहाँ एक रैंडम वॉक का पैटर्न देखने को मिलता है दैट मींस के एवरी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ़ दैट स्टॉक प्राइस इज़ रैंडम कैन नॉट बी प्रडिक्टेड कैन नॉट बी नॉट बी असेस्ड कि वो क्या होने वाली है तो इट कैन गो अप इट कैन गो डाउन इट कैन रिमेन एट द सेम टाइम तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द एफिशेंट मार्केट हाइपोथिस जो आपके स्टॉक मार्केट्स हैं उनकी उन में जब हम स्टॉक्स की प्राइसिस को देखते हैं तो वी आर सियोमिंग कि वो रैंडम वॉक पैटर्न को फॉलो करती हैं तो so जब हम स्टॉक प्राइसिस को देख देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं एनालाइज करते हैं ओवर टाइम दे अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन दे फॉलो रैंडम वॉक पैटर्न और फ्यूचर चेंजेस जो हैं आप मैंने जैसे अभी बोला कि फ्यूचर में यानी कि कल या परसों या अगले माह या उससे तीन माह के बाद किसी भी स्टॉक की प्राइस क्या होगी इट बिकम्स अनप्रडिक्टेबल इसका मतलब है हम अगर अस्यूम करें कि फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत परफेक्टली एफिशिएंटली काम करी हैं अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस तो जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो रैंडम वॉक के पैटर्न को शो करती हैं रिप्रेजेंट करती हैं और इसकी बेसिस पे फ्यूचर में क्या वैल्यू आएगा किसी भी स्टॉक प्राइस का वो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इसी पर्टिकुलर चीज़ को फर्दर वजाहत करने के लिए आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और इसमें जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन से दैट वी कैन सी दैट नाइनटीन से लेके अभी तक तकरीबन ग्यारह फ़ीसद से ज़्यादा हमने ग्रोथ रेट देखा है ओवरऑल स्टॉक मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं यूएस डॉलर की वैल्यू ली है मैंने उसमें हम देख सकते हैं कि 11 परसेंट से ऊपर आपका जो ग्रोथ है दैट हैज़ बीन अचीव्ड इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और दूसरी अहम बात जो हमें अभी मैं आपको एक पैटर्न दिखाती हूँ आप देख सकते हैं उसमें रैंडम वॉक कैसा है और मैंने uh, हमारा लोकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा लिया सो so, um, जब हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को uh, समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास वेरियस इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें हम के एम आई थर्टी है के एस के एस सी वन हंड्रेड है इस तरह के डिफरेंट इंडेसेस को एज uh, आ पैमाना या माइर या इंडिकेटर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को लेते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे अभी आपको बोला कि वी हैव सीन दैट सिंस नाइनटीन नाइन्टी टू हमारी जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की वो कंसिडरेबली ग्रो की है और जब हम एक पैमाने की बेसिस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं यानी कि के एस सी वन हंड्रेड तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि ये 2021 से लेके अब के शुरू से लेके अब तक 8.92 परसेंट ग्रो किया है विच मीन्स इन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड देर इज देर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ के एस सी वन हंड्रेड सो दिस इज़ एन इलास्ट्रेशन ऑफ़ द रैंडम वॉक बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइसेस और उसके लिए मैंने डेटा लिया है के एस सी वन हंड्रेड का और आपको डेटा देखने को मिल रहा है दिस पर्टिकुलर पैटर्न शोज़ दैट देर इज अग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ के एस सी वन हंड्रड और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एक और चीज़ जो आपने गौर से इसमें देखनी है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रैंडम वॉक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एक सर्टन पॉइंट की प्राइस ना काफ़ी है प्रिडिक्ट करने के लिए कि अगली वैल्यू अगले टाइम पीरियड के ऊपर आपकी प्राइस फॉल करने वाली है या इंक्रीज करने वाली है या मोरोलेस वहीं रहने वाली है तो आप देख सकते हैं इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर देर हैव बीन फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट आप देख सकते हैं समटाइम्स वी सी एन अपवर्ड मूवमेंट फिर एकदम डिप आ गया है फिर अपवर्ड मूवमेंट है और फिर आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है फिर यहाँ मोरोलेस बहुत ज्यादा बड़े बड़े फ्लक्चुएशन नहीं है मगर एकदम बहुत बड़ा डिप आ गया फाइन सो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इंडिकेट्स दैट ऑल्डो वी सी आर ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया नाइनटीन नाइन टू से लेके अभी तक हमारे पास इलेवन परसेंट से ज्यादा ग्रो किया है स्टॉक मार्केट हमें एक अपवर ट्रेंड भी मिल रहा है बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको गौर से देखें किसी भी चंक किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर इसको एनालाइज करेंगे तो आपको रैंडम वॉक का बिहेवियर ऑब्जर्व करने को मिलता है सो दिस इज़ वॉट एफिशेंट मार्केट सेज कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं उनको आप फ्यूचर प्राइसेस को वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं आपको नहीं पता अगला कदम अगली वैल्यू किधर जाएगी और This can be verified. This particular phenomenon can be verified based upon these values of the KSE 100, which have been taken to show you that how actually the random walk behavior of stock prices can be observed.